से और योगी सरकार से तमाम हजरात बहन भाइयों का पहले भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो हक और सच के लिए आवाज़ उठा रहे भाई बहन। और मैं जज साहिबान को, वकील साहिबान को, आला इदारों को, मीडिया वाले भाई बहन जो हमारी आवाज़ हक की आवाज़ बन रहे तमाम भाई बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और सीमा कह रहे कि मैं जो है ना शादी किया, इस तस्वीरों के जो है ना साथ कोई शादी नहीं होती, ऐसी तस्वीरें वो ऐसे जो है ना अभी वो पूरा फंस चुका है, आखिरी नतीजा यही नज़र आ रहा है। तस्वीरें दिखा कोई शायद मैं कानून के जो है ना शिकंजे से बच जाऊं, मगर सीमा पूरा फंस चुका है। सीमा एक गैर कानूनी तरीके से आया और मैं उसका शोहर हूँ, चार बच्चे हैं मेरा, एक फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल और फरा बतूल, मैं उनका बाप। आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक भाई होंगे, बहन होंगे, माँ को अपने बच्चों का पता है, एक बाप को औलाद का क्या सदमा है, मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ तमाम आला इदारों को, भारत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा को, चलो सीमा ने कोई जुर्म किया, सज़ा की, तो उसके लिए कानून के दरवाजे हैं, उनको कैफ़ी करदार तक पहुँचाया जाए। और प्लीज़ बच्चों को, नाबालिग हैं और छोटे बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। मैं बहुत इस टाइम मैं सदमे से गुजर रहा हूँ कि मेरे दिल से क्या गुजर रहा है। तीन महीना से मैंने बच्चों से बात नहीं की, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक बाप हूँ। आप बाप से पता चलता है कि बच्चों का जो है ना सीमा का मकसद भारत में नहीं है, वो ऐसे ही बोलता है मुझे नादरा दिया जाए, ये गलत बातें कर रहा है, ये गलत तरीके से आया, इसको पाकिस्तान के हवाले करें और इनको प्लीज़ इंपोर्ट किया जाए। मोदी सरकार और योगी सरकार को मैं ज़ोरदार अपील कर रहा हूँ कि इंसाफ इसको एक मुस्लिम और हिंदू के हिसाब से नहीं देखा जाए, एक इंसानियत के नाते देखा जाए तो कौन सही है और कौन गलत है। भारत में भी अच्छे लोग होंगे, जज साहिबान हैं, वकील साहिबान हैं, तमाम आला अदारों को मैं ये अपील करता हूँ कि मैं मिस्कीन हूँ, मेरे साथ आप लोग हेल्प, हक और सच की बात करें और मेरे को इंसाफ दिलाए और मेरे बच्चों को इंपोर्ट किया जाए पाकिस्तान।